तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रवीण है। तो आज हम सी एपल वी की फोटो ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि आपको रेफरेंस में दिख रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो रेड वाला आइकन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सी एपल वी की फ़ोटो ड्रॉ करने वाले हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा रेफरेंस में मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, तो आप इसे कैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने तो माथे से चिन तक ड्रॉ की है और आइस से की है सेंटर के लिए। वीडियो बहुत छोटी सी है गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, एंड तक ज़रूर देखना। आपको बड़े आसान तरीके से बता रहा हूँ कैसे ये आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह इस फोटो को ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैंने दोनों लाइनें ड्रॉ कर ली। अभी मैं पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक का यूज़ करके अभी मैं नोस देख रहा हूँ कितना नोस रहेगा हमारे पेपर के ऊपर। तो अभी मैंने नोस वाला पॉइंट मार्क कर लिया है जहाँ तक हम नोस रखने वाले हैं पेपर के ऊपर। तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, माथे वाले एरिया से, फिर नोस तक जाएंगे। आई से स्टार्ट नहीं कर रहे अभी हम, सीधा हम बाहर के आउटलाइन ड्रॉ करने वाले हैं पहले। अभी मैं जल्दी से कर लेता हूँ नोस का बाहर वाला एरिया भी देख लेता हूँ कितना बाहर है। अभी मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम तरीके से हम लिप्स भी ड्रॉ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आप दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, जिससे आप बड़े आराम से कोई भी फोटो ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं पेंसिल मेजरमेंट से देख रहा हूँ कि मेरे नोज़ थोड़ी ज़्यादा नीचे चली गई है, अभी मैं इसको सही कर लेता हूँ जल्दी से। हम इसको रिसेंबल थोड़ा बाद में करेंगे, बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल रियल सी हमको लास्ट में देखने को मिलेगी, अभी साथ के साथ हमें रियल नहीं दिखेगी फ़ोटो। इसलिए आप ऐसे मत सोचिएगा कि रियल नहीं दिख रही तो अच्छी बनी नहीं है, आप इसको पूरा कीजिएगा, बाद में लास्ट में हम इसको मैच कराएंगे। तो अभी मैं पेंसिल मेजरमेंट से आईब्रो की थोड़ी मार्किंग कर रहा हूँ कि हमारी आईब्रो कहाँ आएगी। अब पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ करके ऐसे पूरी फ़ोटो ड्रॉ कर ले जाएंगे हम, आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम आई के डिस्टेंस को भी देख लेंगे कि हमारे पेपर में आई किस साइड में आने वाली है। इसमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी फ़ोन से ड्रॉ कर रहे हैं तो, कई बार फ़ोटो छोटी बड़ी हो जाती है ऐसे स्क्रीन टच होने से। तो अभी मैं आई बना लेता हूँ जल्दी से। तो अभी मैं लिप्स वाले एरिया का भी मेजरमेंट कर रहा हूँ, लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम लिप्स वाले एरिया का भी मेजरमेंट कर रहा हूँ किस तरह भी कितनी साइड अंदर तक है लिप्स। तो मैं जल्दी से लिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको बिल्कुल ईजी वे लग रहा होगा आपको ड्रॉ करने का, मैं हल्के हल्के हैचिंग भी कर दूंगा इसमें थोड़ा सा वो रियल से लुक दिखेगा। तो अभी मैं काफ़ी जगह पे हैचिंग कर देता हूँ जल्दी से, इसे थोड़ा रियल से लुक दिखेगा। मतलब ज़्यादा डार्क मैं थोड़ी वहाँ शेड कर रहा हूँ, हैचिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी क्रॉस हैचिंग, इससे बाद में मुझे याद भी रहेगा कि किस साइड ज़्यादा डार्क एरिया है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ अभी। अभी मैं कान को ड्रॉ करने के लिए भी पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा मैं बिल्कुल एक सीधी लाइन ले रहा हूँ जो आँख से लेके कान तक जा रही है। और अभी मैं मेजर कर लेता हूँ कितनी दूर है हमारे कान। तो मैं मेजर करके जल्दी से कान भी ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। बिल्कुल ईजी वे है, आप बिल्कुल इस तरह ड्रॉ करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। आपको दिख रहा होगा फ़ोटो काफ़ी सुंदर लग रही है, आपको भी दिख रहा होगा कि काफ़ी प्यारी सी फ़ोटो लग रही है। अभी मैच भले ही नहीं खा रही है पर इसको बाद में रिसेंबल करते टाइम मैच हो जाएगा, पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरी प्यारी फ़ोटो लग रही है। मैं अब जल्दी से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ कान को भी।
अभी मैं चिन के नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी देख लेता हूँ मैं लाइन किस साइड आने वाली है हमारी गर्दन की, तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ इस लाइन को भी। आप देख सकते हैं लगभग फेस ड्रॉ कर लिया हमने पूरा, तो अभी थोड़े से हेयर और थोड़ी गर्दन वाली लाइन ड्रॉ करने वाली है, ये ड्रॉ कर लेता हूँ मैं जल्दी से। जहाँ हेयर ज़्यादा डार्क है मैं वहाँ क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ। ये तो वैसे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें बाद में याद रहे, इसके दूसरे पार्ट में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। जहाँ ज़्यादा डार्क एरिया है मैं वहाँ ज़्यादा मतलब क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, और जहाँ डार्क नहीं है एरिया वहाँ सिर्फ मैं हैचिंग कर रहा हूँ। मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ। अभी फेस हमने पूरा ड्रॉ कर दिया है, ये बिल्कुल फेस का ही ट्यूटोरियल था, तो हमने फेस जल्दी से ड्रॉ कर लिया पूरा। तो आप ये देखिए फाइनल कैसी बनी है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो स्किप करके देखें आपने वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मैं और भी इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो के साथ जुड़ सकें, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।